हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि उदयपुर में है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके कितने सब कैंपस है, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करती है, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी किसी भी राउंड में मिलती है तो आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ICAR 2023 के काउंसिलिंग के रिगार्डिंग। तो आपको ICAR 2023 का फ्री काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा विदाउट एनी चार्ज पे किए हुए। आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, किसी तरह का भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कैंपस है वो 60 एकड़ में फैला हुआ है और ये यूनिवर्सिटी है वो साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। तो पहले देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सब कैंपस हैं, कौन कौन सा कॉलेज है। तो यहाँ की राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर RSE उदयपुर, कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी ये भी उदयपुर में है और फार्मेसी CDFT करते हैं, फिर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उदयपुर CTAE, कॉलेज ऑफ फिशरी ये भी उदयपुर में है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस CCAS ये भी उदयपुर में है और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डंगरपुर, ये जो 2 कॉलेज है वो सब कैंपस है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स ऑफर करती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है एग्रीकल्चर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BFSC यानी बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, कम्युनिटी साइंस, टोटल 5 कोर्स ऑफर करती है। इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि आपका 2 Mbps का इंटरनेट मिलेगा फ्री और ये इंटरनेट अवेलेबल है स्टूडेंट एज वेल एज वहाँ का जो स्टाफ है उनके लिए। इसमें लिखता है कि टू इनेबल फुली इंटरनेट कनेक्टेड कैंपस ऑफ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर इंटरनेट और फॉलोइंग फैसिलिटी। इंटरनेट मतलब हुआ कि वैसा इंटरनेट कनेक्टेड जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ हो, और इंटरनेट मतलब हुआ कि उसका जो रेंज होगा वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर तक ही होगा। कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपका उसका नेटवर्क आपके फ़ोन से कनेक्ट हो पाएगा, अगर इस यूनिवर्सिटी के बाहर जाते हैं तो वो कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं इंट्रानेट, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया तक का ही उसका कनेक्शन रखती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन रन ऑन इंटरनेट। आगे बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप ICAR के जो फी स्ट्रक्चर का लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का जो BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फी स्ट्रक्चर है वो 28,450 रुपीज़ है, जिसमें कि आपका हॉस्टल भी इंक्लूड है। ये आपका 1 ईयर का फी है। वहीं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स में इसका फी है 79,750 रुपीज़, इसमें भी आपका हॉस्टल फी इंक्लूड है। कर लेते हैं BTech फूड टेक्नोलॉजी, तो BTech फूड टेक्नोलॉजी का भी सेम फी है 79,750 रुपीज़ और हॉस्टल फी भी आपका अटैच है इसी फी के अंदर। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, इसका 49,430 रुपीज़ और हॉस्टल फी भी आपका इंक्लूड है। फिर कम्युनिटी साइंस की बात कर लेते हैं तो आपका 51,450 रुपीज़ है, साथ ही साथ आपका हॉस्टल फी भी इसके साथ इंक्लूड है। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका 1 ईयर का जो फी होगा कुछ इतना ही होने वाला है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस की बात कर लेते हैं तो फूड न्यूट्रिशन डाइटिस में इसका 51,450 रुपीज़ है और इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूड है। साइट पे ये फूड न्यूट्रिशन डाइटिस का कोर्स ऐड नहीं किया है, लेकिन ये ICAR के थ्रू एडमिशन लेती है और ICAR इसको अक्रेडिशन भी फूड न्यूट्रिशन डाइटिस कोर्सेज में दिया है। आगे बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ फिशरी साइंस यानी BFSC, तो इसका अप्रोक्स 50,000 यानी 49,430 रुपीज़ और इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। फी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे कि इसका डिटेल फी स्ट्रक्चर क्या है, जो ऊपर बात करा है फी स्ट्रक्चर उसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर RCA की मेन कैंपस के अंदर ही है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका लगेगा 180 रुपया, ट्यूशन फ़ी 950 रुपया, ये पर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं यानी पर 6 मंथ में आपका। फिर बात कर लेते हैं लेबोरेटरी फ़ी 600 रुपया पर सेम, एग्जामिनेशन फ़ी 900 रुपया पर सेम। वहीं PG का भी यहाँ पे दिया हुआ है, PhD का भी दिया हुआ है, तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ करेंगे UG के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल फ़ी फॉर ऑल स्टूडेंट, ये जो फ़ी है वो आपको सबको देना होगा, आप UG के हों, PG के हों या PhD के हों। तो इसमें स्टूडेंट एड फंड जो कि 175 रुपया, डेवलपमेंट फ़ी 350 रुपया,
और ये जो फी है वो क्या लगेगा आपका, पर सेमेस्टर लगेगा, यानी पर 6 महीने में लगेगा ये फी। एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी, तो आपका 60 रुपये लगेगा, स्टूडेंट एसोसिएशन फी 175 रुपया, CSU फी 60 रुपीज, ID कार्ड के लिए 60 रुपीज, ये आपका पर ईयर लगेगा। फिर कॉलेज मैगजीन फी 175 रुपया, कंप्यूटर फी 240 रुपया, ओपन एसेस सिस्टम इन लाइब्रेरी ये 25 रुपया आपका पर सेम, रीडिंग रूम फी 60 रुपया, साइकिल स्टैंड के लिए 60 रुपया, बुक बैंक सिक्योरिटी जो कि आपका रिफंडेबल है, जब आप अपना एडमिशन लेंगे तब आपको सिर्फ देना होगा 1200 रुपया, और जैसे ही आप अपना कोर्स करके इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तब आपको ये 1200 रुपया रिफंड कर देगी। साथ ही साथ कोजन मनी जो कि एडमिशन के टाइम में सिर्फ रहेगा 750 रुपया, और वो भी रिफंडेबल है, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब ये 1200 प्लस 750 रुपये आपको रिफंड कर देगी यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फी के बारे में, तो ये जो हॉस्टल फी है अप्लीकेबल टू, तो हॉस्टल एडमिशन फी आपका 175 रुपये लगेगा जो कि पर सेमेस्टर है, और ये जो फी है वो फुली यूनिवर्सिटी के फंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं रूम रेंट, तो सिंगल सीटेड रूम लीजिएगा तो आपको लगेगा 300 पर मंथ, यानी 6 मंथ का लग जाएगा आपका 1800 रुपया। डबल सीटेड रूम लेंगे तब आपका 250 रुपया पर मंथ, और 6 मंथ का हो जाता है 1500 रुपया। डबल सीटेड मतलब हुआ कि एक रूम में आप दो लोग रहेंगे, दो बेड आपका लगा रहेगा, और अगर सिंगल सीटेड लेंगे तो आपका सिर्फ पर्सनल एक बेड रहेगा। ट्रिपल सीटेड रूम लेंगे तो आपका 200 रुपया पर मंथ रहेगा, 6 मंथ का फी है इसका 1200 रुपया। उसके बाद बात कर लेते हैं 4 नंबर में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो 300 रुपया पर मंथ आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और 6 मंथ का हो जाता है 1800। इसके बाद बात कर लेते हैं वाटर चार्ज जो कि 45 रुपये पर मंथ लगेगा, और 6 मंथ का हो जाता है आपका 270 रुपये। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आयरन, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह रखेंगे उसका आपका 775 रुपये पर मंथ अलग से लगेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अदर हॉस्टल फी अप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हॉस्टल इंप्रूवमेंट फी आपका लगेगा 120 रुपये पर मंथ, 6 मंथ का हो जाता है 720 रुपये। हॉस्टल इम्यूनिटी पर सेमेस्टर 120 रुपया, फर्नीचर पर सेमेस्टर 120 रुपया, कॉमन रूम फी 360 रुपया पर सेमेस्टर, 60 रुपये पर मंथ, वार्ड एंड वॉच 90 रुपये पर मंथ, और 6 मंथ का हो जाता है 540 रुपये, टेलीफोन फी 25 रुपये पर मंथ, 6 मंथ का हो जाता है 150 रुपया, मेस फी आपको एडवांस में देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कि आपका रिफंडेबल होगा जब भी आप अपना कोर्स को कंप्लीट करके निकलेंगे तब, यह है 2400 रुपया। हॉस्टल कॉजन मनी जो कि रिफंडेबल है वो आपका 1200 रुपया। इसके बाद बात कर लेते हैं अदर फी एप्लीकेबल टू ऑल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपका एनरोलमेंट फी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा 140 रुपया, एलिजिबिलिटी फी आपका लगेगा 140 रुपया, अगर आप लेट से एडमिशन करवाते हैं या लेट से एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपका 350 रुपये लगेगा, वहीं लेट एलिजिबिलिटी फी आपका 450 रुपये लग जाएगा, एग्ज़ाम लेट फी आपका 175 रुपये लग जाएगा अगर आप लेट से एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तब, तो माइग्रेशन फी आपका 350 रुपये लग जाएगा, अगर इस यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट माइग्रेशन निकलवाना चाहते हैं तो आपका 1800 रुपये लगेगा, इसी फी आपका 350 रुपये, डुप्लीकेट इसका निकलवाएंगे तो 1250 रुपये, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए 850 रुपया, वापस से अपना कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तब आपका लगेगा 700 रुपये पर पेपर। फिर आगे बात कर लेते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल करते हैं तब आपका फी क्या लगने वाला है, अगर आपका बैकलॉग लग गया रेगुलर में ही तो आपका 600 रुपये पर पेपर का चार्ज देना होगा फॉर्म भरने के लिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ OGP के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1250 रुपये पर पेपर देना होगा, यानी पर सब्जेक्ट आपको 1250 रुपये फिर देना होगा, तब जाकर आप उसका फॉर्म भरेंगे तब फिर आप इम्प्रूवमेंट फॉर OGP का एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कैसे आप पहुँचेंगे यूनिवर्सिटी, तो आपको ट्रेन लेना होगा दिल्ली से उदयपुर के लिए, तो दिल्ली से उदयपुर का जो ट्रेन चलती है वो हरिद्वार उदयपुर एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर भी दिख रहा होगा, ये दिल्ली से खुलती है और आपको उदयपुर 16:50 पहुँचा देगी। दूसरा ट्रेन है मेवाड़ एक्सप्रेस, इसका भी ट्रेन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुलती है और ये उदयपुर आपको 7:15 में सुबह पहुँचा देगी। फिर चेतक एक्सप्रेस है, यहाँ भी इसका ट्रेन नंबर आपको मेंशन है, दिल्ली रोहिला से खुलती है और ये उदयपुर आपका 7:50 में पहुँचा देगी, तो आप दिल्ली से उदयपुर बाय ट्रेन आ सकते हैं। ये रहा ट्रेन नंबर, ये रहा ट्रेन का नाम। फिर हम बात कर लेते हैं उदयपुर से दिल्ली जाने के लिए, तो उदयपुर NJP एक्सप्रेस ये उदयपुर सिटी से खुलती है और दिल्ली आपको 14:45 पहुंचा देगी। उदयपुर हरिद्वार एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस, ये अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, इंडिगो
डायरेक्ट दिल्ली से आपको उदयपुर लेकर चली जाएगी। फिर भाई एयर इंडिया न्यू दिल्ली से उदयपुर, सब ट्रांसपोर्ट बाई ट्रेन और बाई एयर वे। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में, क्या आप इस यूनिवर्सिटी को कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, वाइस चांसलर का कॉन्टैक्ट डिटेल, साथ ही साथ उसका टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, जो रजिस्टर्ड है उसका मेल आईडी, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, उसका उनका नाम क्या है, डिपार्टमेंट, जिन भी डिपार्टमेंट के हेड को आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एस एस शर्मा डीन है RCA MPIT उदयपुर का, उनका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी, आपका सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नोडल ऑफिस, कंप्यूटर सेल एंड वेबसाइट, अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इतना सारा कांटेक्ट नंबर है तो आप कौन सा कांटेक्ट नंबर पे कॉल करें या मेल करें। तो सिंपल सा है, आपका एक टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो मेल आईडी है आप इस पे मेल कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर का मेल आईडी है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ एडमिशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, आपके फैमिली वगैरह अतिथि गृह में रुक सकते हैं, जो भी गेस्ट हाउस है वहाँ पे। ये था शॉर्ट समरी ऑफ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के बारे में। हमने इसे मैक्सिमम चीज़ों को कवर करा है। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट बचता है तो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी किसी तरह का दिक्कत है आपको तो आप इस यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लाए। मैक्सिमम कमेंट जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर रहेगा हम उस यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसका कैंपस के बारे में बात करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अगर आपने अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।